पब्लिक प्रॉपर्टी नहीं है, कोई खातून पब्लिक प्रॉपर्टी नहीं है। क्या डॉक्टर जाकिर नाइक की अपनी बेटी, अपनी बहन या अपनी बीवी के बारे में यही राय है? ठीक है, क्या उनकी बेटी पब्लिक प्रॉपर्टी है? वो सब लोग सोशल मीडिया पे ये जो चूरन इस्तेमाल कर रहे हैं ना इंडिया के नाम पे, मुझे ये बताएं मसले किस मुल्क में किस घर में नहीं होते? ठीक है, आप इतना हाईलाइट करते हैं, इतना बदनाम करते हैं इस चीज को लेकर कि इंडिया में ये जुल्म हो गया, वो जुल्म हो गया, हो गए जुल्म, तो फिर मुझे ये बताएं वो दुनिया की इस टाइम पांचवी बड़ी इकोनॉमी कैसे है? हर वो शख्स, हर वो मुल्ला, हर वो पॉलिटिशियन जो ये कोशिश करता है कि कौम को तकसीम करे या कोई गलत इल्म फैला के कौम में इंतशार और फसाद पैदा करे, उसको कड़ी सजा मिलनी चाहिए। तो आपका क्या ख्याल है, जेल में डाल दें जो? हाँ, उनको जेल में डालें, उनको लटकाएं। मुल्क का अमन जो है वो इतनी छोटी चीज नहीं है। वो कहते हैं कि औरत की हुकूमत जो है वो जायज नहीं है। जाकिर नाइक पाकिस्तान में तकरीबन एक महीने के लिए मौजूद है और वो हर रोज पाकिस्तानियों की इंसल्ट करते हैं। मुझे समझ नहीं आ रही, आपको पता है जिस दिन से जाकिर नायक आए मैं उस दिन से शोर डाल रहा हूँ कि ये इंतहाई कंट्रोवर्शियल शख्स है। हमारी सोसाइटी ऑलरेडी बहुत ज़्यादा तकसीम है, पोलराइज्ड है, डिवाइडेड है। अब क्या मकसद था इनको लेके आना? लेकिन क्या है यार, ह्यूमन बीइंग है, उसको देख के आप मतलब क्या चीज है कि आपका देख के उसको ईमान खराब हो? या भाई आप, आपके अपने अंदर ये मसला है, ये फीमेल्स का मसला नहीं है, ये आपके अंदर का मसला है कि आप उनको देख के डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो या किस तरफ जा रहे हो, आपका माइंडसेट है, आपका मसला है, आपके यहाँ पे प्रॉब्लम है। नहीं कि खुलेआम बाजारों में घूमे, बाजारों में वो मेकअप करे, तैयार हो जाए तो फिर बाजारों में घूमे। मर्द अपनी नजर झुका के चले ना, तो औरत मौका ही ना दे। नहीं, इसमें भी अगर मर्द की नजर उठती है, इसमें भी औरत का कसूर है। अगर कोई औरत बुरके में जा रही उसके पीछे तो बुरके वाली का रेप नहीं होता? बुरके वाले को नहीं लोग छेड़ते हैं, मैंने खुद देखा है। उसमें इज्जत होती है, इस्लाम में इज्जत है ना, उस बिल्कुल लोग इज्जत करते हैं, बिल्कुल उसकी तरफ देखते ही भी नहीं। अगर खुली आम औरत होना सब उसके पीछे देखते रहते हैं, तो जब पर्दा हुआ अभी आप सबसे पहले आप देख लो इस तरह हालात में हो तो और कोई आके अब लाजमी देखेगा ना। अच्छा, मुझे भी हर कोई देख रहा है क्योंकि मैंने भी मेकअप किया हुआ है। इधर देखो, सारे देख रहे हैं। हाँ, तो इनका हेलो दोस्तों, जैसा कि आपने हाईलाइट में देखा, इस्लामिक उपदेश के जाकिर नाइक इस समय पाकिस्तान में, जहाँ पर वे पाकिस्तान के सरकारी मेहमान बनकर घूम रहे हैं। हाल ही में जाकिर नाइक ने महिलाओं को नौकरी करने के लिए विवादित बयान दिया है। GNN न्यूज को दिए इंटरव्यू में जाकिर नाइक ने कहा कि अपनी आम जरूरतों के लिए महिलाओं को नौकरी करने की जरूरत नहीं है। शादी के पहले उनकी जरूरतों की जिम्मेदारी उनके पिता और भाई है, जबकि शादी के बाद जिम्मेदारी उसके पति की है। और सारे भड़काऊ भाषण दिए जिसकी वजह से आम जनता में आक्रोश बहुत है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं कि पाक मीडिया इस वीडियो पर क्या रिएक्शन देता है, उनका क्या कहना है। सबसे पहली बात, मुझे डॉक्टर जाकिर नाइक ये बताएं, उनको ये राइट दिया किसने है कि पाकिस्तान की 52% जो आवाम है, ठीक है, उसका स्टेटस, उसकी आइडेंटिफिकेशन वो डिसाइड करेंगे कि वो लोग क्या है, हमारा स्टेटस क्या है? यार बंद करो ये तमाशा। अच्छा, शुरू से लगा के रखा हुआ है, शुरू से लगा के रखा हुआ है 1947 से पहले तक ये लोग हिंदू मुस्लिम के नाम पर कौम को तकसीम करते आए हैं, लड़वाते आए हैं, बांटते आए आपस में, ठीक है। वो खत्म हुआ, ठीक है जी, आपने अपना मुल्क बना लिया, आपने अपनी बाउंड्रीज बना ली, उसके बाद आपने सुनिशिया शुरू कर दिया, वहाँ उससे यही रोना है हमारा। हमें नहीं पता हमारी इकोनॉमी किधर जा रही है, हमें नहीं पता हमारी रोटी कहाँ से पूरी हो रही है, लेकिन हम क्या करते हैं कि हम बाहर से एक आदमी को जिसकी नेशनलिटी भी यहाँ की नहीं है हम उसको अलाउ कर रहे हैं, वो अगर हमें बताए कि यहाँ पर विमेन जो है वो किसकी प्रॉपर्टी? भाई मैं अपने आप को पाकिस्तान का बाइज्जत शहरी समझती हूँ, मैं एक इंडिविजुअल हूँ, मैं विमेन हूँ और मैं इंडिविजुअल हूँ। मैं कहता हूँ आज तो बड़ा मतलब एक अच्छा मौका मिला कि एक ऐसी शख्सियत, ऐसी पर्सनैलिटी से बात करने का मौका मिला है। मैं समझता हूँ राइट पर्सन विद राइट टॉपिक हम जो है वो ये डिस्कशन कर रहे हैं। और डेफिनेटली इन्होंने जो बात की है कि जितना मैं पाकिस्तानी हूँ एज ए मर्द, एज ए आदमी, मैं जितना पाकिस्तानी हूँ इनका भी इतना ही हक है, उनके पास भी वही आईडी कार्ड है, पाकिस्तान की नेशनैलिटी है, उनका भी उतना ही हक है। अच्छा, मेरे पास मेरी बात सुने, ये खड़े हुए हैं, इनसे पूछे अपनी बेटी के लिए ये स्टेटमेंट ये बर्दाश्त करेंगे? ठीक है, ये करेंगे इनमें से कोई करेगा? नहीं करेगा भाई। यहाँ पे खड़ी है, किसी से पूछ लेते हैं कि कोई अगर आपसे पूछे, बात करे, इधर आए भाईजान, मुझे ये बताएं कि आपकी बेटी को अगर कोई पब्लिक प्रॉपर्टी कहे कि ये पब्लिक प्रॉपर्टी है तो आप क्या समझते हैं बर्दाश्त हो जाएगा? ये बोलने का मतलब वो शायद क्या, यहाँ कौन मेरी, ये हालत है हमारी आवाम की, मतलब लोगों के दिल में लोग बोल ही नहीं सकते, वो बात डर बैठा है, ये लोग मर्द हो के इस बारे में बोल नहीं सकते, बट बीइंग ए फीमेल
मैं इस चीज को डिनाई करती हूँ। अच्छा बिल्कुल जबरदस्त बात है। अच्छा मैम मुझे ये भी साथ बताइएगा, हम बात करते हैं मुसलमानों की और बात करते हैं जी इंडिया में मुसलमानों पे जुल्म, हम बात करते हैं फलस्तीन पे मुसलमान। भाई मेरी आप सुने बात, ठीक है आप भी सुने, ये सब लोग भी सुने, वो सब लोग सोशल मीडिया पे ये जो चूरन इस्तेमाल कर रहे हैं ना इंडिया के नाम पे, मुझे ये बताएं मसले किस मुल्क में किस घर में नहीं होते। ठीक है आप इतना हाईलाइट करते हैं, इतना बदनाम करते हैं इस चीज को लेके कि इंडिया में ये जुल्म हो गया वो जुल्म हो गया, हो गया जुल्म तो फिर मुझे ये बताएं वो दुनिया की इस टाइम पांचवी बड़ी इकोनॉमी कैसे है, वो कैसे चाइना को बीट कर। हाँ ये एक लॉजिकल बात है, अगर वहाँ पे भी ये हिंदू मुस्लिम सिख ये सब इश्यूज चल रहे होते तो क्या ऐसा पॉसिबल था वहाँ पे भी फिर उन्हें भी IMF के पास जाना चाहिए था? क्या ऐसा पॉसिबल था कि वो लोग इतनी आगे इतनी तेजी से, दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, 1 अरब 40 करोड़ की आबादी और वो बिल्कुल स्मूथली चलते नजर आ रहे हैं। बड़ा अच्छा लग रहा है आपसे बात करके। हम क्या बात करते हैं, हम कहते हैं फलस्तीन में क्या हो गया, इंडिया में क्या हो गया, यहाँ क्या हो गया, वहाँ क्या हो गया। भाई आप देखिए पाकिस्तान में क्या हो रहा है, आपको अपने घर का पता ही नहीं है कि आपके घर का निजाम चल कैसे रहा है, आपके घर में क्या चल रहा है। यहाँ पे जाहिल लोग, अच्छा। हर लोग, हर किसी का अपना अपना एजेंडा है, अपना अपना मकसद है, कोई मजहब के नाम पे, कोई पॉलिटिक्स के नाम पे लगा हुआ है बस अवाम को तकसीम करने। ठीक है ऐसे मौलवियों को या ऐसे लोगों को क्या आप कहना चाहेंगी या इनका क्या होना चाहिए? आप चले आप ही बताएं, हिम्मत करें। किसी शख्स के पास, किसी शख्स के पास ये हक नहीं है कि वो किसी कौम को मजहब का चूर्ण देके या गलत इल्म देके डिवाइड करे। ठीक है हर वो शख्स जो कौम में इस टाइम कौम को दो हिस्सों में तकसीम कर दिया उनकी स्टेटमेंट है। मुझे आप ये बात बताएं, वो कहते हैं कि औरत की हुकूमत जो है वो जायज नहीं है, तो पाकिस्तान वो लेने क्या है? अच्छा हाँ बिल्कुल, पाकिस्तान में खवातीन हुक्मरानी कर चुकी हैं, स्टिल कर रही हैं, स्टिल कर रही हैं। पंजाब में इस टाइम मरियम नवाज जो एक फीमेल है, जो एक खातून है, उनकी हुकूमत है और पंजाब चल रहा है भाई। ठीक है पाकिस्तान चल रहा है भाई, अच्छे से चल रहा है। ठीक है पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से आप कह रहे हैं कि डॉक्टर जाकिर नाइक सब सही कह रहे हैं? बिल्कुल सही कह रहे हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक तो ये भी कह रहे हैं कि औरत अगर मेकअप करके करती है तो मर्द की अगर नीयत खराब हो जाती है तो उसमें भी शायद फिर औरत का ही कसूर है। औरत का है कसूर सबसे पहले, अभी आप लोग देखें ना दुपट्टा है सर पे, मेकअप किए हुए कुल हाँ बालों के लिए तो लाजमी बात है ना, इस्लाम में तो ये चीज़ नहीं, सबसे पर्दा होनी चाहिए औरत के लिए। हालांकि बुरके में होना चाहिए, सही पर्दा होना चाहिए। जब इस तरह औरतें खुले हम बाले खुले मेकअप किए होंगे तो लाजमी लोगों की नियत तो खराब होंगे। हाँ। जब खुद एक औरत ही इंसान को मौका देते हैं मर्द को तो लाजमी फिर मतलब मेकअप करना, अच्छे कपड़े पहनना, तो ये क्या औरत का गुनाह है? अच्छे कपड़े बेशक पहन ले लेकिन पर्दे में पहन ले, लेकिन इस तरह नहीं कि खुलेआम। अभी यहाँ पे मार्केट में आप लोग देख किस तरह औरतों ने जींस पहने हुए सब कुछ मेकअप में खुलेआम बैठे हुए हैं, तो लाजमी इधर जब लोग आते हैं तो बिल्कुल शो के लिए तो ना, इसीलिए सब लोग आते हैं क्योंकि यहाँ पे माहौल इसी तरह बना हुआ है, उन्होंने माहौल दिया हुआ तो लोग इसलिए आते हैं। इस्लाम में तो पर्दा होना चाहिए, बुरके में होना चाहिए लोग, लेकिन वो चीज़ तो यहाँ पे है ही नहीं, पाकिस्तान में जीरो है इस वजह से। लेकिन अब तो बात ये होती है कि जितने मर्द को हकूक हासिल है, जितने मर्द के पास राइट्स है उतने विमेन के पास भी राइट्स है। अगर मर्द अपनी मर्जी से पहन सकता है तो गर्ल्स विमेन भी अपनी मर्जी से पहन सकती है, अपनी मर्जी से तैयार हो सकती है। गर्ल्स अपनी मर्जी से तैयार हो सकती है लेकिन लिमिट्स में, वो अपने घर तक महदूद होनी चाहिए। इस तरह तो नहीं है कि खुलेआम बाजारों में घूमे, बाजारों में वो मेकअप करे तैयार हो जाए तो फिर बाजारों में घूमे। मर्द अपनी नजर झुका के चले ना तो औरत मौका ही ना दे। नहीं इसमें भी अगर मर्द की नजर उठती है इसमें भी औरत का कसूर है। अगर कोई औरत बुरके में जा रही उसके पीछे तो बुरके वाली का रेप नहीं होता? बुरके वाले को नहीं लोग छेड़ते हैं, मैंने खुद देखा है। उसमें इज्जत होती है, इस्लाम में इज्जत है ना, उसमें बिल्कुल लोग इज्जत करते हैं, बिल्कुल उसकी तरफ देखते भी नहीं। अगर खुली आम औरत होना सब उसके पीछे देखते रहते हैं तो जब पर्दा हुआ, अभी आप सबसे पहले आप देख लो इस तरह हालात में हो तो और कोई आके आप लाजमी देखेगा ना। अच्छा मुझे भी हर कोई देख रहा है क्योंकि मैंने भी मेकअप किया हुआ है। इधर देखो सारे देख रहे हैं। हाँ, तो इनका कसूर है, मेरा तो नहीं ना, मैं तो अपना काम कर रही हूँ। तो ये आपका ये काम गलत है, आपको इस चीज की इजाजत ही नहीं। मेरा भी काम गलत है। इस्लाम आपको इस चीज की इजाजत दे रहे हैं? किस चीज की? ये जो आप कर रहे हो, क्या कर रही हूँ इस तरह? ये खुलेआम इंटरव्यू लेना, खुलेआम पे बाले खुले हुए, ये चीज तो नहीं होने चाहिए। तो बस आप कहते हो कि वो शरिया आ जाए? हाँ तो शरिया जो लाजमी है। तो जाकिर नाइक जो कह रहे हैं वो ठीक कह रहे हैं? बिल्कुल सही कह रहे हैं। एग्री कर रहे हो जी? आपको नहीं लगता कि पहले पाकिस्तान में रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म बहुत ज्यादा बढ़ गई है, ये चीजें नहीं होनी चाहिए स्टेट लेवल पे? क्या मतलब? जितना लोग ऑलरेडी मजहब के नाम पे तकसीम हो रहे हैं, मजहब के नाम पर जिस तरह से बयानबाजी चल रही है, आपको नहीं लगता कि डॉक्टर जाकिर नाइक को यहाँ पर नहीं बुलाना चाहिए था? तो डॉक्टर जाकिर नाइक किसी और मकसद के लिए बुलाया गया है। जैसे क्या मकसद है वो तो अलग से मकसद है, अभी हम बयान नहीं कर सकते उसको किस लिए बुलाया गया ना। किस लिए बुलाया गया थोड़ा मुझे भी बता दो। असल में उसको इसलिए बुलाया गया था ना, जब यहाँ पे जो ये पख्तून लोगों का जरगा था ना, इस वजह से, क्योंकि मतलब जाकिर नाइक
बोला कि कुछ अवाम जो है ना, जो उलमा करम वगैरह इन लोगों के भी तो पास लोग होते हैं, उलमा जो हुक्म करे लोग सारे उसको मानते हैं, तो उसने अक्सर लोगों को जाकिर नायक की तरफ मायल कर दिया इस वजह से, ताकि यहाँ पे जर्गे पे कोई लोग ना जाए। आप कह रहे हैं कि एक मुद्दा पाकिस्तान में था तो उस मुद्दे से अटेंशन हटाने के लिए डॉक्टर जाकिर नायक को बुला दिया, और वो डेरी जोड़तों के बारे में कह रहे हैं, वो भी क्या पहले से प्री प्लान्ड है? एक बात बताऊं, हर रोज वो अपने आप को एक्सपोज कर रहे हैं, ही इज इमर्जिंग एज ए मोरेलिस, ठीक है ना, वो जो थॉट जिसे नहीं कहते आप, जो एक किसी शख्स के बारे में कहा जाता है मॉरल पॉलिसिंग वो करना चाहते हैं। पहले आपको याद होगा जो उन्होंने लड़कियों को एक चैरिटी इवेंट में कह दिया कि मैं आपको अवार्ड नहीं दूंगा, और उन्होंने ये कहा कि मैं, उसकी वजह उन्होंने क्या बताई, उन्होंने कहा जो नॉन महरम, ठीक है, जो रिलेटेड नहीं है, जो मेरे लगते नहीं हैं ख़वातीन, मैं उनको जानता नहीं, मैं उनके साथ इंटरेक्ट नहीं करूँगा। हालांकि रोज़ एक खातून, पाकिस्तानी खातून एंकर को वो दे रहे होते हैं, उधर पूरा घंटा बैठ के अपनी तकरीर सुनाते हैं, और कल जो उन्होंने बदतमीज़ी की है, लिटरली बदतमीज़ी की है उन्होंने, और वो इस वक्त पाकिस्तान के मीडिया पे जो है ना, वो सोशल मीडिया पे वायरल है, मीडिया तो नहीं दिखाता, अब जारी बात है लोगों को शर्म आएगी, लेकिन हमारी हुकूमत को किसने कहा था यार ये करने को? कोई हुकूमत को है समझाने वाला, कोई है बताने वाला, या कि नहीं है? उन्होंने जो कल बदतमीज़ी की, उन्होंने कहा जी कि अगर एक खातून आपके सामने बैठी है, तो अगर आप मर्द हैं तो आपको वो जिसे कहते हैं ना, आपके आपकी फीलिंग्स चेंज होनी चाहिए। मैं बड़ा टोन डाउन करके बात कर रहा हूँ, मतलब, और उस खातून ने मेकअप किया हुआ है, उसका वो खातून इस तरह, या वैसे क्या शर्मिंदगी वाली बातें कर रहे हैं आप? मतलब आपको इस चीज़ के लिए बुलाया गया है, और फिर वो कह रहे हैं पाकिस्तान को डिक्टेटरशिप हो या डेमोक्रेसी हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मतलब पाकिस्तान एक जमहूरियत है। फिर उन्होंने उल्टा ये कह दिया कि पाकिस्तान के अंदर जो ख्वातीन का इक्तदार है ये हराम है, बेनजीर भुट्टो का इक्तदार हराम है, पंजाब के अंदर इस वक्त जो चीफ मिनिस्टर है वो वुमेन है, मरियम नवाज शरीफ, वो कह रहे हैं हराम है इक्तदार। ख्वातीन के बारे में वो बदतमीज़ी कर रहे हैं, ख्वातीन जो हमारी मिनिस्टर्स हैं उनके इक्तदार और उनकी पोजिशन को वो चैलेंज कर रहे हैं, मतलब क्या ज़रूरत थी इनको लाने की यार? हु इज़ ही, वो कौन है, क्यों लाया गया है उनको? बच्चियों तक, मतलब उस बंदे की आप ईगो चेक करें, मतलब ही लिटरली सेक्सुअलाइज्ड लिटिल ऑर्फन गर्ल्स। तो दोस्तों जैसा कि आपने वीडियो में देखा, महिलाओं के नौकरी करने के सवाल पर जाकिर नायक कहा अगर महिलाओं को नौकरी करना चाहते तो वे नौकरी कर सकते हैं, लेकिन वे शरीयत के खिलाफ नहीं होनी चाहिए। शादी से पहले उन्होंने अपनी नौकरी के लिए अपने पति से सलाह लेना चाहिए, जबकि शादी के बाद अपने पति से बात करनी चाहिए। अगर शादी के बाद पति से नौकरी करने की इजाज़त मिल जाए भी जाए तो, लेकिन वो नौकरी की शरीयत के खिलाफ है तो हराम है। जाकिर नायक ने अगर आगे कहा कि महिलाओं मीडिया की नौकरी कर सकती हैं, अगर कोई महिला 30 मिनट के लिए टीवी आती है तो अगर महिलाओं को एंकर को देखकर ही पुरुष का मन अगर कुछ नहीं होता तो उसे डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत है, और 20 मिनट तक महिलाओं को देखने के बाद हलचल पैदा नहीं होती तो उसके दिमाग में दिक्कत है। जाकिर नायक के इस बयान पर पाकिस्तान के महिलाओं को इसका विरोध किया है। पाकिस्तान के ही न्यूज आई एप्स के कोमल को उनके वीडियो भी सोशल मीडिया पर शेयर किया, लिखा है कि इस पर शान और यौन रूप से कुठित व्यक्ति जाकिर नायक को मदद भगवान कर, जिससे ये सोचा था कि पाकिस्तान की राजकीय अतिथि बनना चाहिए। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें, वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।